हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और आज मैं उठ गई थी सुबह सुबह और गई थी टहलने के लिए। लेकिन क्या करूं, बाहर वीडियो बना ही नहीं सकती हूं। कैमरा निकालते हुए भी डर लगता है कब कौन कैमरा सॉरी मोबाइल छीन ले और फिर मारपीट हो जाए, हंगामा हो जाए। हमारे एरिया में उतना डेवलप नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो इसलिए मतलब शूट करते ही लोगों को शक हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ पर गई तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो सेमर जो एक पीलो में भरने वाली जो रुई आती है उसका पेड़ बहुत सारा वहाँ पे था और पूरे पेड़ पे सिर्फ फूल ही फूल लगे हुए थे। लग रहा था पेड़ में आग लगी हुई है, तो मैंने उसका कुछ फूल उठा के ले लिया। तो ये है सेमर का फूल, जिसकी रुई से तकिया में भरा जाता है वही सेमर का ये फूल है। तो दो कलर में आता है, रेड आता है और एक ऑरेंज कलर का आता है। तो दोनों पेड़ से मैंने दो उठा लिया और बाहर चूँकि शूटिंग कर सकते नहीं, पेड़ का फोटो लिया ही नहीं। वैसे फिर कल जाऊँगी तो कल ट्राई करूँगी खींचने का फोटो। तो ये दोनों उठा के लिया ही, पता है ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, इसको डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, डॉक्टर फ्लावर भी कह सकते हैं इसको। और इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, तो कौन कौन इसकी सब्ज़ी बनाता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। और किस किसने अभी तक सेमर का पेड़ नहीं देखा है, उसकी रुई नहीं देखी है, वही बताइएगा। मैंने इसका शॉर्ट्स भी बना के डाल दिया है, मुझे ये फूल बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं छोटी थी ना तो इंजेक्शन में पानी भर भर के इसके मोटे मोटे जो पेटल होते हैं ना, बहुत मोटे होते हैं, उसमें घुसा घुसा के इन लोगों को इंजेक्शन इंजेक्शन खेलती थी। क्योंकि इसका पेड़ ना हम लोग के घर के जस्ट दरवाजे पर सटा हुआ था और इसकी रुई जब उड़ती थी मार्च अप्रैल जब आएगा ना, इसके फल पक जाएंगे और ये अपने आप फट करके इसकी रुई पूरे में उड़ना शुरू हो जाती है। आप लोग मैंने कभी ना कभी देखा होगा रुई को उड़ते हुए। तो अभी मैंने कर दिया है मोटर को ऑन और खाना मैंने बना लिया। संडे था, छुट्टी था, लेकिन कहीं जाना नहीं था, कुछ खास भी नहीं करना था, तो बस ऐसे ही। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।